सोने के हुरूफ से अपने कलेजे के ऊपर ये आयतें लिख दे, जिंदगी में कोई शख्स तुझे कितनी भी बड़ी बात कर दे, ये आयत कभी ना मिटाई अपने दिल के ऊपर से। ये तुझे उन टूटी हुई हालात में तेरा सहारा होगी आयत। ये अल्फाज बेटा मेरी याद रखना, बेटा आज तेरी उम्र छोटी है, उम्र भी कच्ची है, लेकिन अगर ये दो तूने अपने अंदर दिल में ठोक के डाल दी ना, और किसी को इजाजत ना दी जिंदगी में कि मैं ये दो चीजें नहीं बदल सकता, लीडर है तू फ्यूचर का इंशाल्लाह, एक नाम होगा तू, और दिल में एक इत्मीनान होगा कि मैंने एक बेढंगी जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने फजूल जिंदगी नहीं गुजारी, मैं मोहताज नहीं हूं। कलेजे में एक सुख होगा, एक ऐसी खुशी होगी कि मैंने इतने कम के अंदर इतनी दुनिया हिला दी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम इंसान, आम ना पैसा ना दौलत ना शोहरत ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना कोई ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूपेन से पढ़े हुए लोग, आम इंसान, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक कौम को, एक इंसान को इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, पार एक्सलेंस सिग्नेचर बनाते हैं उसको, दस्तखत बनाते हैं उसे उस फन का, यहदून अभी अमरीना, हमारे हुक्मों के तहत वो परफॉर्म करता है, हिदायतें देता है, दो काम जब वो कर लेता है। तैयार हो, रेडी? लम्मा सबरु वकानु बिआयातिना यकीनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सबर आ जाए, सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर की नफ्सियात के खिलाफ, लोगों की धुतकारों के खिलाफ, लोगों की बातों के खिलाफ, अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीज़ों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफलों के खिलाफ सबर आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मजे की बड़ी चीज़ लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सबर, मैं सबर नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सबर कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी सातवीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है, और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सबर, वो सबर जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सबर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सबर कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी, तो हाकिम नु जाके तू कहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सबर जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सबर जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सबर जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सबर जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सबर जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सबर जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्ते अदबेल अर्द और जमीने फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बेल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, ना फिर भी नबी की गल नहीं माननी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सबर कि जब लोग तनकीदों के बाजार गर्म करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाप खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सबर जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सबर अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सबर कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर, अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वाला का ना लमुमा तो अस्विजु भी नफ्सु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सबर जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सबर जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर, अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सबर, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, नियत, इरादा, कसद, अजम, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानु बिआयातिना यकीनून, सर्टेंटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छोड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी कभी, अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए,
ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी उसको पूरा करने से पहले तू ये तरक्की नहीं देगा। अल्लाह यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ।